मेरी पेंटिंग डोंट वन मैं लोगों की करता हूँ पेंटिंग डोंट अपने देख पा और ये चक्की रावण में मेलम गुण पूछे पर तो बतड़िया ने पूछे मोदी को नहीं मदारी है अरे खटर को नहीं खटारो है वो देखिए राम 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 और ठीक ठाक हो ठीक है ठीक तो क्या मोदी हमारे लिए भी ना ठीक है कोई ठीक हो नहीं आती है नमस्कार स्वागत आपका के हरियाणा पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व विधायक भरसिंह बेनीवाल जी के ट्रैक्टर रैली में। आप देख सकते हैं कि भरसिंह बेनीवाल खुद ट्रैक्टर चलाते हुए इस रैली की अगुवाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ट्रैक्टर जो है वो लेकर के किसान जो है आगे निकल रहे हैं। सबसे लंबी जो ट्रैक्टर रैली है वो भरसिंह बेनीवाल के द्वारा निकाली जा रही है और दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के तमाम किसान जो है भरसिंह बेनीवाल के साथ समर्थन में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करूं तो चोपटा से ये रैली चली थी और उसके बाद कुमारिया गुसाइयाना खेड़ी इधर से होते हुए जमाल कुतियाना जमाल और उसके बाद लुधेसर रूपावास रूपावास लुधेसर होते हुए चोपटा में इसका समापन होगा। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे खासे ट्रैक्टरों की संख्या के साथ भरसिंह बेनीवाल जो हैं वो ये रैली निकाल रहे हैं। चलिए भरसिंह बेनीवाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। किसान विरोधी सरकार अब मैं चोपटू चल रहा चोपटू कागदन कुमारिया खेड़ी जोड़किया कुताना है कुतानू जमालू रूपा से हो गया लदेसर वापसी चोपटा गन जी के बाद ज्यादा घूम लिया गया बैटरी थोड़ी डाउन सी दिक्कत आ रही। मेरी बैटरी डाउन हो मैं लोगों की करता हूँ बैटरी डाउन किया लोगों की किया डाउन करोगा सरकार की डाउन करांगे और कहीं जनता ही थोड़ी करांगे सरकार जो काला कानून ले गया ही है ये खातिर फिर ला रहे हैं उनके अब किसानों को कोई हाल नहीं मजदूर को कोई हाल नहीं व्यापारियों को कोई हाल नहीं कई आदमियों को कोई हाल नहीं है। अब क्या है मोदी है मोदी को नहीं मदारी है अरे खटर को नहीं खटारो है वो हरियाणा के अंदर खटर नहीं है खटारो है वो हरियाणा के अंदर सारा हरियाणा ने खटर ने खटारो बना दियो लोन ले लेगा आप एक मन लो ना इन्हें बेच सका ना इन्हें बेच सका जो मर्जी को भाव लगावेगा लेगा तो मर्जी भाव देगा तो मर्जी को भाव सरकार आपको खरीदेगी को नहीं सरकार देश के अंदर इतो नाद रखना पड़ा ने 3 साल देश के अंदर काल पड़ जाए तो इतो नाद रखना पड़ा भी 3 साल तो यहाँ भूख ने मरन दो देश ने इतो नाद रखना पड़ा फिर देश को कौन खड़े करे बाणी तो मर जाए वो भाव देगा भूख मरी आ जाए तो बताए माटी गुदाओ की कराओ लोगों ने आटो देना पड़ेगा जनता सरकार को असूल है आज का नहीं है पूरा जो देश आजाद हो पर बनेड़ा कानून है आज उनके काल पड़े बड़े मट्टी कुतावे निरोगा बना रखी है आ क्या खाते बना रखी है आ काल पड़ने खाते बना रखी है भूखो आदमी है वो थोड़ा बहुत काम कर दे अरे वो आपको दाना लिया है ये अध्या देश जो कह जी आंग न लेगी सारा किसान जो कह सरकार के खिलाफ हो रहे हैं बीजेपी जेजेपी की दोनों मिलकर सरकार बना रखी है आना के संदेश देना चाहूंगा थे दुष्यंत चौटाला लगातार इस्तीफे की मांग करने लग रहे हैं अजय सिंह चौटाला के दियो भी अकाली दल आपकी जगह अब समर्थन लियो ना लियो लेकिन जेजेपी पक्षों कौन ले समर्थन बात तो चलो भाई आप आपकी नीतियां को देश विरोधी है बीजेपी वाले ये चौटाला लड़ रहे हैं अरे किसान थोड़े किसान हो तो किसान की सोचनी चाहिए अरे किसान को खून भी है बंसी लाल एक बार एक MLA हो बंसी लाल की सरकार में वो बोले जी मैं दारू कौन पीऊँ बीड़ी कौन पीऊँ मीट कौन खाऊँ बोले तू हरियाणा खून तो पिए है हरियाणा खून भी है सारा अच्छा। मोदी भी है सारा देश को खून तो अब थाना के लगे जी जेजेपी ने समर्थन वापस लेना चाहिए लेना चाहिए लेना किसान ने तो लेना चाहिए किसान को फर्ज बनाए हर एक आदमी को फर्ज बनाए
गरीब की, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की, हरेक आदमी की अपना फर्ज बने है चाहिए मदद करना। किसान नहीं फुली करने लग रहे। आप कणक बेचा 1500-2000 रुपया कुंटल, और हमने देखी अब अपन कट्टो मिले 1000 को बीज खातिर मिले, ऐसे फिर पानिया से ले लेगा नहीं कणक, तो फिर देगा 5000 को कट्टो किया बीजागा, मन मर्जी को भाव लगावेगा। अब आज देश के अंदर थोड़ा सा आदमी खेती करे है, बाकी तो मोल ही खरीदे है, शहर में कौन खेती करे, इतो मोटो शहर में सारा मोल खरीदे है, देहात के अंदर है आधा खेती करा तो ज्यादा मोल ले कने के मन के रेट मिलेगी, वह क्यों ले लेगा, सोने पर हो जाए कने का बाणिया, आप बने बाणी ना तो पंजाब में गोदाम बना ही लिया, अने पूछ के स्कीम बनाई गई सारी बड़े बड़े सेठा ने, मैं स्कीम बनाऊ थे बारे में ये करो कि पहली जमीन खरीद ली। अभी सुनीता दुग्गल को विरोध करे जी किसान, सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद का नारा लगाया, काला झंडा दिखाया, नहीं तो मैं हकदार है काला झंडा दिखाना है, मैं दिखाना चाहिए, मैं वोट लिए है वो कुर्सी पर बैठे है, और लोग आगे कारण कुर्सी पर बैठे है ना, जहाँ जनता खिलाफ होगी ना सिलेक्ट थर का सिलेक्ट नहीं, हमारे का तरी भी है, और एक सिर बार सिलेक्ट करता मैं भी फिरंगा, अगर वोट ना देगा मैंने जहाज पर चढ़ा दे वोट दे के, मैंने मंत्री बना दे, MLA बना दे, सरकार मंत्री बना दे, और जहाज में फिर फिर सिलेक्ट भी मैंने भी बड़े आई नीत खराब होगी जनता की, अगर आगे हक नहीं मांगेगा, वोट दिए है तो हक मांगने खातर दिए है, ये थोड़ी दिए मार्ग में कणक थोड़ी घटाओगा, ऐ मार्ग काम लेगा वोट देगा, तो मैं काम ही ना देंगा ने काम नहीं करांगा, हक में नहीं बोलांगा, हम खिलाफ चलांगा तो मैंने वोट क्या देगा। चुनाव के टाइम में थे एक बात कहे जी भी सुनीता दुग्गल का मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनावांगा, तो थे भी आबाद के भी प्रधानमंत्री मैं बनावांगा, मैं और के जनता है भारत के है, मैं प्रधानमंत्री मैं ही बनाए जा, चलो जनता को मन बदल दिया, कई बार किसी पार्टी ने वोट फालतू दे दिए, बाकी वो वहाँ के मन पूछो पत्रकार कि भाई बोले दुग्गल का भी मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तो मैं के सांड थोड़ी देर प्रधानमंत्री मैं बनाऊंगा और क्या भी अपने लोगों में लोगों की मेहनत करता है, देखभाल करता है, हमारी खेती तो जनता है। तो अब थाने के लग गया जी बांग्ला प्रधानमंत्री में थारला प्रधानमंत्री में कितो फर्क थे मानो थे, आप ही बता दो, 5-10 साल सरकार रही मनमोहन जी हो और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री है के रामराज आ रही हो सारा के लिए हरेक आदमी ने कहनी थी अच्छा था अपने टैक्टी टंकी बनाता नहीं 2000 में भरती, अब 4 रुपये कौन भरी दे, कांग्रेस सरकार में 2000 में टंकी भरती और 4000 में कौन भरी दे। एक विधायक जी एक चर्चा और चल रहा है सुनीता दुग्गल का लोग पोस्टर टांग रखे अभी गुमशुदा की तलाश करके जी, हाँ कोई गम जी गम हो रही है अंडरग्राउंड हो रही है उग्रवादी हो रही उग्रवादी हो रहे हैं कि यहाँ तो क्यों हो रहा है के कारण है तो के जनता में वोट तो लिया ले आ तो काट ही हंडी एक बार थड़ी मुड़ के थड़े कौन अच्छा तो आगे क्या अभी मोदी 2000 रुपया और दे के फिर ले जाओ वोट नहीं है कौन है लो रोज हमें कौन है हमने लो धनी भी हमारे घर का ये इतना पावड़ा कौन है आज ऐसा थे फोटो भेजोगे नहीं अरे बात सुनेंगे ना कोई मेरे पर को बोलो सुन ले कुछ भी बात तो आपने फायदे की है अच्छा इतना बोलो कौन है फिर लिया बोला आना टाइम में कांग्रेस के तरीकों को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस भैया जनता की सेवा करेगी आज तो राम राज देगी कहीं दिक्कत को नहीं आवेगी आज तो भाव देगी चुटाला के राज में क्यों लोग चुटाला तेरे राज में पराली गई लिहाज में तीरी गई प्याज में अर्ध आए कांग्रेस की सरकार गाड़ियां लिख कहेंगे जीरी की कमाल है बुढ़ा तेरे राज में जीरी गई प्याज में और गाड़ियों में लिख रहा कि वो जीरी की कमाल है नरमे की कमाल है रेट बढ़िया मिलिया
6,500 को मिलियो, जीरी को 4,500 के जीरी को मिलियो, दस लोगों का सांस आयो की गाड़ियाँ। एक जी वो उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई है, अभी राहुल गांधी सागर भी थोड़ा धक्का मुक्की करी है पुलिस। दीपाज पीछे पर लोगों सागा हुआ है तो थाने मन गुण में पूछे है अपने दरबार और ये चक्की रावण में मेले में गुण पूछे पर तो पतड़िया पूछे तो इतने मोटे ने लोगों ने जगह देश का प्रधानमंत्री का पड़पोता है, है? पोता पड़पोता हो रहे हैं बांगे धक्का मारे तो अपनी क्यों सुनाई बनी अपन तो भेड़े बकरी पर कहा काल बाद छोरी ने बैंक बलात्कार हो गया। अगर बैंक सही इंक्वायरी हो तो जो दिल्ली वाला कांड में यही पकड़ी जा बैंक में और बैंक जाके रात में हिंदू धर्म में दिन 6 बजे बाद में ना तो पास पोस्टमार्टम होगा और दिन डूबने के बाद में ना दाग होगा। अगर कहोगे तो वो कानून में गलत हो तो 2:30 बजे दाग दिए मैं चोरी निकली बनी नहीं नड़ तो लेड़ी है मैं जीव घट लेड़ी है सर की ग्रेड है मैं चोरी को जो मैं दिल्ली वाला कांड हो ना वो कांड हो मैंने दबाए गए है हर जगह लोग दवा मांगी मदद करते बने रोके गए फिर पैदल चल जा राहुल गांधी प्रियंका गांधी तो बने रोक लिया मांगे धक्का मुक्की भी हुई है तो इतने तो बड़े लोग है लोग यहाँ जाती करा दे जुलम जाती और कितनी करेगा अब आगो बापू गड़ो भर चुके हैं फूटना। ठीक है, ठीक है।